सावधान, विचारों के कारण उदारता के अभाव में, लघु विचारधारा के कारण महाराज श्री दशरथ के मार्ग में अवरोध पैदा हो गया। क्योंकि बैकुंठ में जो निवास करते हैं उनकी भावना संकुचित नहीं होती है, उनकी भावना उदार होती है, वो परमार्थी होते हैं। और जो स्वर्ग में रहते हैं वो स्वार्थी होते हैं। बोलो, जो स्वर्ग में रहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो जो बैकुंठ में रहते हैं वो परमार्थी होते हैं। महाराज श्री दशरथ अपना स्वार्थ चाहते थे, ये विचारधारा है। क्या स्वार्थ? कि केवल अयोध्या तक राम रहे, अयोध्या से बाहर राम की कोई आवश्यकता नहीं है, राम को हम जाने ही नहीं देंगे। केवल अयोध्या तक, अयोध्या के सिंहासन तक सीमित रहे राम। अरे ये सोच अच्छी नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है। आपका बेटा समाज का कल्याण करने के लिए आया है, आपका बेटा राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आया है। वो ये सनातन धर्म का मंच साधु संत केवल राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि। तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या के ही मणि नहीं है, केवल राम को रघुकुल मणि बनाना ये उचित नहीं है। महाराज दशरथ राम को रघुकुल मणि बनाना चाहते थे, लेकिन तुलसीदास जी वन भेजकर राम को विश्व रूप रघुवंश मणि बनाना चाहते हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि। आज भगवान विश्व रूप रघुवंश मणि है कि केवल रघुवंश मणि है? बोलो, विश्व रूप रघुवंश मणि है, केवल रघुवंश मणि नहीं, बस इतना ही अंतर है। अयोध्या में राम रहते तो रघुवंश मणि होते, और राम अयोध्या से बाहर गए वन गिरवासी वनवासियों के बीच में, तो राम विश्व रूप रघुवंश मणि हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? मानस के अनुसार प्रमाण तो दे रहा हूं। महाराज दशरथ भी रघुवंश मणि है। राम में और दशरथ में अंतर क्या रहता है? दशरथ जी केवल अयोध्या तक सीमित रहे, वो रघुवंश मणि है, लेकिन राम विश्व रूप रघुवंश मणि है। अवधपुरी रघुकुल मणि, वेद विदित तही दशरथ नाम। बोलो है कि नहीं? क्या है? रघुकुल मणि। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुरुनिधि ज्ञानी, हृदय भगतमति सारंग पाणी। सारंग पाणी कहते हैं भगवान विष्णु को। सारंग पाणी नाम किसका है? भगवान विष्णु का। और याद रखना, भगवान विष्णु तो पहले भी अयोध्या में है, सारंग पाणी का मंदिर बना हुआ है। रघुकुल में सारंग पाणी को इष्ट मानते हैं, पहले से ही पूजा होती है सारंग पाणी की। सारंग पाणी मानी भगवान विष्णु। अब सोचिए जरा, सारंग पाणी भगवान विष्णु अयोध्या में पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। महाराज दशरथ उनकी पूजा भी करते हैं, महाराज दशरथ रघुकुल की मणि भी हैं, महाराज दशरथ धर्म धुरंधर भी हैं, महाराज दशरथ गुण निधि ज्ञानी भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म की सत्ता को जानता है कि नहीं जानता है? ब्रह्म की सत्ता को तो ज्ञानी ही जानता है,
लेकिन इतने बड़े ज्ञानी फिर भी ब्रह्म की सत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। संचित विचारधारा है, केवल अपना हित चाहते हैं, अयोध्या का हित चाहते हैं, अपने राज्य का हित चाहते हैं। इसलिए राम जी को अयोध्या राज्य के अंदर रखना चाहते हैं, अयोध्या राज्य से बाहर नहीं भेजना चाहते। सावधान, हम चित्रकूट के कामदगिर पीठ के पीठाधीश्वर हो गए, केवल हम कामतानाथ की चार दीवारी के अंदर रखें। सावधान, ये मेरी संकीर्ण विचारधारा होगी। कामतानाथ जी की आज्ञा जहां जहां हो जाने के लिए हमें वहां वहां जाना चाहिए। बोलो भाई, जाना चाहिए कि नहीं? पुत्र घर में पैदा हो जाए और वो घर में ही बना रहे, ना खेत जावे, ना खलियान जावे, ना दुकान जावे, ना ऑफिस में जावे, घर में ही रहे। एक बात बताओ, उस पुत्र का अपकर्ष होगा कि उत्कर्ष होगा? एक लोक पक्ष की बात है, अपकर्ष होगा कि नहीं होगा? उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, उसकी प्रतिभा भी कुंठित हो जाएगी। खजाने में धन भरा पड़ा रहे, खजाने में धन भरा है और ताला लगा है, चाबी खजाने के मालिक के पास है, अब वो चाबी से ताला नहीं खोल रहा है, कहता है ये खजाना इसी के अंदर रहे। बोलो भाई, उस खजाने का कोई अस्तित्व माना जाएगा क्या? जल्दी बोलो, उस खजाने का कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा। खजाने का अस्तित्व कब बढ़ेगा? जब सर्वस्व दान दीन सबका हो, खजाने को लुटा दो, दान कर दो, परमार्थ में खर्च कर दो, परोपकार में लगा दो, तो वो धन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हमारे पास बल है, अब हम घर के अंदर ही बलबला रहे हैं। किस काम का बल है भैया? वो हम घर में बलवान हैं, लेकिन घर के अंदर ही हम बलबला रहे हैं। कैसा बल वो? उस बल की कोई सार्थकता नहीं है। याद रखना, अगर समाज को कोई सता रहा है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता को कोई खतरा पहुंचा रहा है, तो उस समय हमें अपने मकान की चार दीवारी को तोड़ देना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा में अपने बल को समर्पित कर देना चाहिए। यही बल की सार्थकता है। बल को केवल घर के अंदर रखना ये उचित नहीं है। धन को तिजोरी के अंदर रखना ये उचित नहीं है। धन को तो तिजोरी से निकालो, परमार्थ में लगाओ। बल को घर से बाहर करो, राष्ट्र की रक्षा में लगाओ। यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान का विस्तार करो उपदेश के माध्यम से। वो ज्ञान केवल सीमित नहीं होना चाहिए, उस ज्ञान को समाज तक पहुंचना चाहिए, संत को समाज तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। उपदेश के माध्यम से, साधना के माध्यम से, साधुता के माध्यम से कल्याण करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सावधान, महाराज श्री दशरथ आज वीर पुत्र को घर के अंदर रखना चाहे जाए, और वीर नहीं, पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान वीर, लेकिन उनको केवल अयोध्या के अंदर। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म को केवल चार दीवारी के अंदर, बल को चार दीवारी के अंदर। और सही बतावे आपको, भगवान केवल बल ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, भगवान क्या है? बोले निधि भी है। निधि मानी संपत्ति। आप कहो संपत्ति प्रमाण क्या है?
प्रमाण है श्याम गौर सुंदर दो भाई ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। बोलो भगवान केवल बल ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, भगवान महानिधि भी है। महानिधि को केवल अंदर रखो दीवाल के, बल को अंदर रखो, धर्म को केवल अंदर रखो, नहीं नहीं, बल धर्म निधि ये समाज के कल्याण के लिए है, ये राष्ट्र कल्याण के लिए है, ये जन जन तक जाना चाहिए, इनका सदुपयोग होना चाहिए, केवल अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा बल, हमारा धन, हमारा ज्ञान ये समाज तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए, और जहां तक आर्यावर्त की सीमा हो वहां तक पहुंचना चाहिए। परमात्मा की सत्ता केवल आर्यावर्त तक नहीं है प्यारे, त्रिभुवन में उसकी सत्ता परिव्याप्त है, अखिल ब्रह्मांड नायक है वो, उसको केवल अयोध्या के अंदर सीमित करना उचित नहीं। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी व्यवस्था को बदल दिया, ये भी विधि का विधान है, व्यवस्था को बदल दिया। क्या? कि पिताजी आपको हम बैकुंठ तो भेजेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो आपकी विचारधारा संकीर्ण हुई, जरा स्वर्ग में देवताओं के पास रह के देखो कि ये देवताओं की भावना और विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। बोले इनकी सोच तो गोस्वामी जी कहते हैं सोच सब जानते हैं, कहे काक समान पाक रिपुरीति उछली मलिन कतौन प्रतीति ऊंच निवासनी कर तूती ओ देख न सकई पराई विभूति।